नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि हम बिना सुपर के थ्रू पेरेंट से भी ऊपर पेरेंट के डेटा को कैसे प्रिंट करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आप पेरेंट का ही डेटा प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिना सुपर के थ्रू अगर पेरेंट का डेटा प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ अपनी क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको मेथड के अंदर एज आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा और यहाँ पे उसे पेरेंट टाइप के वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। d1 का टाइप पेरेंट टाइप का करना होगा और d1.x करके जैसे आप डेटा प्रिंट करोगे तो ये पेरेंट के डब्बे में से डेटा को फेच करके लेके आ जाएगा। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सुपर तो अपने इमीडिएट पेरेंट को प्रिंट करा देता है बट उससे भी ऊपर वाले डेटा को प्रिंट करना है तो क्या करना होगा, तो आप अपने इसी डी को ही यहाँ पे जितने बार आपको डेटा प्रिंट करना है उतने बार, अगर 3 बार प्रिंट करना है तो 3 बार यहाँ पे पास कर दीजिए। अगर मैं 3 टाइम पास कर रहा हूं तो मुझे 3 टाइम यहाँ होल्ड करना पड़ेगा। एक बार मैंने इसको दादा जी टाइप के वेरिएबल में रिसीव कर लिया, दादा जी टाइप के वेरिएबल में रिसीव कर लिया और साथ मान लीजिए वेरिएबल का नाम मैंने जे ले लिया। फिर उसके बाद मुझे इसको पर दादा टाइप के वेरिएबल में, पर दादा जी टाइप के वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। तो देखिए किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को उसके किसी भी पेरेंट में रखा जा सकता है, नहीं आप कास्ट करा जा सकता है। तो डी को आप कभी पेरेंट में होल्ड करो, यानी कि d1 का टाइप पेरेंट है, j का टाइप दादाजी है, p का टाइप पर दादाजी है। अब यही सेम d जो है आपके अलग अलग वेरिएबल में रिसीव करा दिया गया, इसका मतलब ये हो गया अगर d1 पे जो ऑपरेशन करोगे वो पेरेंट पे रिफ्लेक्ट करेगा, j पे जो ऑपरेशन करोगे वो दादाजी पे रिफ्लेक्ट करेगा और p पे जो करोगे वो पर दादाजी पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पर दादाजी के डेटा को ही प्रिंट करा के यहाँ पे लेके आएगा। अगर यहाँ पे आप प्रोग्राम में इसे ऐसे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए j.x और फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे p.x, तो यहाँ पे उसके पेरेंट का डेटा प्रिंट होके यहाँ पे दिखा देगा और आप कास्टिंग के थ्रू ही आप पेरेंट से भी पेरेंट के डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा पा रहे हो। 10, 210, 120 सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो सुपर तो केवल पेरेंट के डेटा को प्रिंट करता है बट उसके भी पेरेंट को अगर डेटा प्रिंट कराना है तो इसके लिए आपको यहाँ आप कास्टिंग करनी पड़ेगी, अपने चाइल्ड के रेफरेंस को पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड कराना पड़ेगा और पेरेंट के रेफरेंस यानी कि रेफरेंस वेरिएबल का जो टाइप है यानी कि p, j एंड d1 उसका टाइप बदलना पड़ेगा। टाइप बदलने से उसके उस पर्टिकुलर डेटा को वो हीप मेमोरी एरिया से जाके रेफर करा देता है और यहाँ डेटा प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह से अगर पेरेंट से भी पेरेंट का डेटा प्रिंट कराना है तो एक एक कंसेप्ट है और सुपर में बेसिकली यही होता है, इंटरनल कहानी सुपर की यही होती है कि सुपर के पास अपने पेरेंट टाइप का रेफरेंस होता है जिससे वो पेरेंट के डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा के आपको दिखा देता है। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी मैं बिना सुपर का सॉरी बिना अपकास्टिंग का भी आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप डेटा को प्रिंट करा पाएंगे। आपको ये अपकास्टिंग यानी कि जो रेफरेंस यहाँ से पास कर रहे हैं ये पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ये वाला लाइन कमेंट कर देता हूँ और एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जिससे आप उसके पेरेंट के डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा पाओगे। तो ये वाली लाइन भी कमेंट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल मेथड इसे कॉल करिए। देखिए होता क्या है कि अगर आपने दिस कीवर्ड पढ़ा हो तो आपको आइडिया होना चाहिए किसी भी चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है या किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर ऑलरेडी होता है और वो नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर किस फॉर्म में होता है, वो होता है दिस का फॉर्म। तो यानी कि यहाँ पे हम void msg नाम के मेथड की बात करें तो इस मेथड के अंदर ऑलरेडी आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये d 3 बार आप पास कर रहे हो, ये पास करने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लिसिटली ऑलरेडी कंपाइलर यहाँ पे पास करता है और आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी होता है और वो जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है उसका फॉर्म होता है यहाँ पे दिस। तभी तो आप यहाँ पे अगर दिस डॉट एक्स लिखते हो तो आपके सेम क्लास का डेटा यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है और आप अगर यहाँ पे देखिए तो ये सेम क्लास का डेटा प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन आपने कहा सर अगर हम दिस नहीं भी लिखते हैं तब भी वो सेम क्लास का डेटा प्रिंट करता है, यहाँ कंपाइलर इम्प्लिसिटली लगा देता है अगर आप नहीं लगाते हैं तो। तो फिर यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर आप दिस का टाइप यहाँ बदल दीजिए, दिस का टाइप यहाँ पे जैसे मान लीजिए टाइप कास्टिंग का मैंने सिंबल लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया पेरेंट, तो अगर दिस के आगे आपने पेरेंट लिख दिया तो यहाँ पे पेरेंट का डेटा प्रिंट होने लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, आपको यहाँ से एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा टाइप है वो पेरेंट टाइप का बदल चुका है और दिस को आपने टाइप कास्ट कर दिया पेरेंट टाइप में, इसको हम बोल सकते हैं टाइप कास्टिंग हमने कर दी और टाइप कास्टिंग से भी हम कहीं ना कहीं पेरेंट से भी पेरेंट वाला डेटा निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक बार जैसे आपने पेरेंट लिखा यहाँ पे आपको लिख देना होगा दादा जी, यहाँ कैपिटल में डी होगा बेसिकली दादाजी, तो ये दादाजी आ जाएगा और अगर यहाँ पे आपने लिख दिया पर दादाजी तो उसका डेटा यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर डिस्क का टाइप बदल दिया। बदलने के बाद अब इस डेटा को, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कंपाइल करने के बाद इसे रन करेंगे तो सेम आउटपुट आपको मिल गया। तो ये एक दो तरीके हो गया बेसिकली, अगर आप टाइप कास्टिंग कर देते हो उसके थ्रू भी आप पेरेंट के पेरेंट का डेटा प्रिंट करा सकते हो बिना सुपर के, और अगर आप कास्टिंग कर दे रहे हो तो ये वाला जो अप्रोच है ये बेसिकली आप कास्टिंग वाला अप्रोच है। यहाँ से मैं यहाँ पे कमेंट करके ले देता हूँ, ये आप कास्टिंग का अप्रोच है, और ये वाला जो कंसेप्ट है इसे मैं यहाँ पे कमेंट करके यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये है टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट। तो ये टाइप कास्टिंग के थ्रू भी ये डेटा प्रिंट हो जा रही है। सो फ्रेंड, इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी कमेंट, अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।